आरा मशीन लगाकर करे बिजनेस, टिकाऊ और कमाऊ आइडिया है आरा मशीन का बिजनेस। आजकल हमारे देश में बहुत तेजी से इमारतों के निर्माण का काम चल रहा है। इन इमारतों में लगने वाले खिड़की, दरवाजे, चौखट आदि का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आम इंसान की जिंदगी में रोजमर्रा काम आने वाले फर्नीचर आदि में भी लकड़ी के बने सामान को प्रयोग में लाया जाता है। लकड़ी का कोई भी काम आरा मशीन के बिना नहीं हो सकता, इसलिए आरा मशीन का बिजनेस हमेशा चलने वाला अच्छे खासे मुनाफे वाला बिजनेस है। ध्यान दें, इस बिजनेस को शुरू करने में थोड़ी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। आरा मशीन लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। साथ ही आरा मशीन लगाने के लिए राज्य के वन विभाग और पर्यावरण विभाग के अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। आरा मशीन लगाने का लाइसेंस भी लेना पड़ता है। लाइसेंस के बिना आरा मशीन का बिजनेस नहीं शुरू किया जा सकता। कैसे लगाएं आरा मशीन? सबसे पहले ये जानिए कि आजकल सरकार द्वारा केवल 12 इंच की चौड़ाई की कटान वाली आरा मशीन की ही परमिशन मिल रही है। ये परमिशन राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से मिलती है। इस परमिशन के लिए बिजनेसमैन को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसमें उसे तमाम तरह की अपनी निजी एवं आरा मशीन लगाने की जगह से जुड़ी सारी जानकारियों के दस्तावेज देने होंगे। वन विभाग, स्थानीय नगर पालिका और नगर निगम, इंडस्ट्रियल एरिया, जिला अधिकारी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। इसके अलावा आप किस जगह पर आरा मशीन लगा रहे हैं, स्थानीय फॉरेस्ट रेंजर उस जगह का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट जिला वन अधिकारी को देता है। उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, बिजनेसमैन की ताज़ा फोटो, एड्रेस प्रूफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 25% नकदी के प्रमाण पत्र, 1 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए 1/3 हिस्से के नकदी प्रमाण पत्र, ऑडिट बैलेंस शीट, 3 साल की ITR, नेटवर्थ यानी सिक्योरिटी मनी का नोटरी से प्रमाणित पत्र, बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, जमीन अपनी है या किराए की शपथ पत्र देना होगा। यदि जमीन किराए की है तो उसके मालिक के प्रमाण पत्र, यदि जमीन खरीदी है तो सेल डीड के दस्तावेज, विजुअल मैप यानी नजरी नक्शा, वन क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र से 10 किलोमीटर आरा मशीन लगाने के बारे में रेंजर का प्रमाण पत्र, DM का अनापत्ति प्रमाण पत्र, म्यूनिसिपल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर किसी तरह के वन अपराध में न शामिल होने का शपथ पत्र, 100 रुपए के स्टैंप पर राज्य सरकार के वन विभाग के नियमों से सहमति होने तथा सभी नियमों को मानने का शपथ पत्र। आरा मशीन में कई तरह के काम होते हैं। इन सभी कामों को करने के लिए आपको अपने आवेदन में जिक्र करना होगा, यानी उन काम के बारे में आपको अपना आवेदन देना होगा। उसके बाद आपको वही काम करने का लाइसेंस मिलता है। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं। 100 मिल यानी आरा मशीन, वनीर मिल, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, MDF, HDF, वनीर एंड प्लाईवुड यूनिट, स्टैंड एलन चिपर, पर्टिकुलर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, MDF, HDF प्लस पॉर्टिकल बोर्ड यूनिट। कितने प्रकार की आरा मशीन होती है? आरा मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इनमें एक स्टेशनरी 100 मिल और दूसरी पोर्टेबल 100 मिल। इसमें स्टेशनरी आरा मशीन वो होती है जो एक जगह पर लगाई जाती है, दूसरी पोर्टेबल मशीन जिसे कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। स्टेशनरी 100 मिल, लार्ज ब्रॉड 100 मिल, सर्कुलर 100 मिल, पोर्टेबल 100 मिल, चैन 100 मिल, स्विंग ब्लेड 100 मिल, बैंड मिल्स। 2 आकार की होती है आरा मशीन, एक हॉरिजेंटल बैड 100 मिल्स, दूसरी वर्टिकल 100 मिल्स। आरा मशीन में कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं? आरा मशीन को वैसे तो केवल लकड़ी की कटाई की मशीन के रूप में जाना जाता है। एक जगह कटाई करने के साथ पोर्टेबल आरा मशीन जंगलों में पड़े बहुत बड़े पेड़ों की वहां जाकर कटाई कर सकती है, जिससे जंगलों से उन बड़े लकड़ों को शहर में लाना ले जाना आसान हो जाता है। शहरों में लगी आरा मशीन से अपनी मनपसंद की साइज की कटिंग की जाती है, जिसमें फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि इमारती सामान, कृषि के काम आने वाले यंत्र आदि बनाए जा सकते हैं। आजकल इमारतों के निर्माण का काम तेज होने के कारण आरा मशीन से जहां खिड़की दरवाजे के लिए लकड़ी कटवाई जाती है, वहीं इमारतों की छत के लिए लेंटर डाले जाते हैं। उनमें भारी संख्या में खंभे और पट्टियों का भी इस्तेमाल होता है। इन खंभों और पट्टियां तैयार करने के लिए आरा मशीन से पेड़ों की कटाई की जाती है। आजकल आधुनिक जमाने में प्रत्येक घर में मॉड्यूलर किचन बनाने का रिवाज है। ये मॉड्यूलर किचन में लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें भी अनेक साइज के पटड़े भी आरा मशीन से ही काटे जाते हैं। फर्नीचर की यदि हम बात करें तो आम जनजीवन में काम आने वाला फर्नीचर, कुर्सी, मेज, बेड, सोफा सेट, अलमारी, तख्त, दरवाजे, खिड़कियां प्रमुख हैं। आजकल के फैशन के दौर में डिजाइनर फर्नीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। आरा मशीन संचालक चाहे तो कच्चा माल यानी लकड़ी खरीद कर मार्केट की डिमांड के अनुसार फर्नीचर के काम आने वाले तख्त, चारपाई के पाए, कुर्सी, मेज के पाए व तख्ते, तख्त के लिए पट्टियां और पटड़े, दरवाजे और खिड़कियों के पार्ट्स अपनी दुकान में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है।
बड़ी लकड़ियों के कतरन, लकड़ियों की कटाई से निकलने वाला बुराद को भी बेचकर मुनाफा लिया जा सकता है। इसके अलावा हवन यज्ञ में काम आने वाले आम आदमी की लकड़ियों का भी व्यापार आरा मशीन संचालक आसानी से कर सकता है। लागत कितनी लगेगी? आरा मशीन लगाकर बिजनेस करने में अच्छी खासी लागत आती है। इसके लिए सबसे बड़ी रकम आरा मशीन लगाने के लिए जमीन से लेकर आरा मशीन खरीदने, लाइसेंस फीस, काम करने वाले कम से कम 7 से 8 कर्मचारियों की सैलरी, मशीन चलाने के लिए बिजली, डीजल का खर्चा, कच्चा माल, ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्चा लगता है। अब चूंकि आरा मशीन 8 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आती है, अन्य सारे खर्चे जोड़कर लागत निकाली जाए तो पता चलता है कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।